आज का मेरा टॉपिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से है। इन 1937 ई कॉटन सजेस्टेड द टर्म ऑफ प्रोकैरियोट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। 1937 के अंदर ई कॉटन ने ये सजेस्ट किया एक टर्म जो है वो दी प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की, एनिमल्स और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इन 1967 के अंदर रॉबर्ट वेटकर ने इंट्रोड्यूस करवाया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स हैं ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं? ई कॉटन ने 1937 के अंदर, और रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1967 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये सिस्टम जो है इसकी बुनियाद किस चीज पर है? द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल्स थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उस पे इसकी बुनियाद है। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। पहला जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहला प्रोकैरियोटिक आता है, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फिर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहला जो ये सिस्टम की बुनियाद थी वो थी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो इस सिस्टम की बुनियाद है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का तरीका, ये खुराक कैसे हासिल करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए हासिल करते हैं, अब्सॉर्प्शन करते हैं, दूसरों से खुराक हासिल करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, या फिर खुराक हासिल करके उसको हजम करते हैं। ऑन दिस बेसिस, इस बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स। इस बुनियाद पे जानदारों को पांच किंगडम में तकसीम किया गया है। नंबर एक मोनरिया, नंबर टू प्रोटिस्टा, नंबर थ्री पंचाई, नंबर फोर प्लांटी, नंबर फाइव एनिमिलिया। इन 1988 मार्कलस एंड स्विजर्स मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। 1988 के अंदर मार्कलस और सेवर्स ने फाइव किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन की ऑफ वेटकर वेटकर की। दे कंसीडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जेनेटिक्स को भी कंसीडर किया है इसमें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उन्होंने तीन चीज़ें कंसीडर की हैं। वेटकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम था उसमें पहली जो है वो जेनेटिक्स है, दूसरी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरी जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम, उन्होंने जानदारों को पांच किंगडम में तकसीम किया है एज प्रपोज बाय वेटकर, जैसा कि वेटकर ने पेश किया। किंगडम मोनरा, पहला जो किंगडम है वो मोनरा है। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं? मोनरा के अंदर। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनरास आर यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल होता है। ऑल्थो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, लेकिन इसकी कुछ एग्जाम ऐसी हैं जो कि चेन्स बनाती हैं, क्लस्टर्स बनाती हैं या फिर कलोनीज बनाती हैं ऑफ सेल्स। सेल्स मिलके चेन्स भी बना सकते हैं, क्लस्टर्स भी बना सकते हैं और कलोनीज भी बना सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मोनरा के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके क्लोरोफिल, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है।
विद इन दिस किंगडम, इस किंगडम के अंदर देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस किंगडम के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर एंड सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर यूकैरियोटिक आते हैं और वो भी यूनिसेल्यूलर होते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर तीन बड़ी इकसाम हैं, एलजी आर यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल आर सिंपल मल्टीसेल्यूलर। एलजी जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेल्यूलर होते हैं। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल्स, इनके जो सेल्स होते हैं वो प्लांट के सेल से मिलते जुलते होते हैं, विद सेल वॉल्स सेल वॉल के साथ भी, एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, और इनके क्लोरोफिल भी होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो एल्जी हैं ये प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है और इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। सिंपल मल्टीसेल्यूलर मींस दे डू नॉट हैव मल्टीसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स। सिंपल मल्टीसेल्यूलर का क्या मतलब है, इनमें सेक्स वाले जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते, एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रोस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और इनके लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रोस जो है वो नहीं बनता। प्रोटोनोस प्रोटोजोन्स रिसेंबल एनिमल्स, इसमें जो प्रोटोजोन्स हैं वो जानवरों के साथ मिलते जुलते हैं, हूज सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स, इनके अंदर क्लोरोफिल और सेल वॉल्स नहीं होते। सम प्रोटिस्ट आर पंची लाइक, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो पंचाई की तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इसमें जो कि पौधों की तरह हैं, कुछ जानवरों की तरह हैं और कुछ पंचाई की तरह। किंगडम पंचाई इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर हेटरोट्रॉफ्स, इसमें वो जानदार शामिल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और मल्टीसेल्यूलर होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, विच आर ऑब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, और इनका जो खुराक हासिल करने का तरीका है वो ऑब्जॉर्प्टिव है, ये खुराक को जज़ब करते हैं। इसकी जो आम मिसाल है वो क्या है, मशरूम्स। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सेक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम्स, और डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो हैं उसको सेक्रेट करते हैं, एंड ऑब्जॉर्व स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्व करते हैं फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय इंजाइम्स, और इनकी जो डाइजेशन है वो इंजाइम्स के थ्रू होती है। किंगडम प्लांटिंग इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉप्स, इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं गजा बनाने के लिहाज से। मेकिंग देयर ऑन फूड, ये अपनी खुराक बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए। दे हैव मल्टीसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके अंदर मल्टीसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फॉर्म एम्ब्रोस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रोस बनता है। मॉसेस फंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडिंग इन देयर किंगडम, इसकी क्या एग्जाम्पल हैं, मॉसेस फंस और फूलदार पौधे जो हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। किंगडम एनिमिलिया इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर कंज्यूमर्स, इनके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर कंज्यूमर्स होते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, ज़्यादातर जो हैं कैसे जानवर गुजारा करते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, एनिमल्स लाइव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, खुराक जो है उसको हजम करते हैं, एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज, और इसको हजम करते हैं। दे
लैग सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती एंड शो मोमेंट्स। और